दिगर प्रदेश में मजदूर की हत्या संबंधी मामला आया सामने। नवागढ़ पुलिस लगा मामले की लीपापोती करने में। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत दहीदा में अपने परिवार के भरण पोषण तथा कमाने खाने गए कमल सिंह गौड़ का अजीबोगरीब हत्या जैसे संगीन मामले सामने आने पर नवागढ़ पुलिस के द्वारा पूरे मामले पर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि ग्राम पंचायत दहीदा ब्लॉक नवागढ़ जहां का निवासी कमल सिंह गौड़ उम्र 32 वर्ष अपनी पत्नी तथा दो मासूम बच्चों के साथ कमाने खाने हिमाचल प्रदेश में मदनलाल जायसवाल के अधीन ईट भट्टा में कार्य कर रहा था, जहां 24 मई की रात लगभग 9 बजे कार्य के दौरान किसी बात को लेकर जीतराम गौड़ तथा अनुजराम के साथ कहासुनी हो जाने पर इन नामजद आरोपियों ने कमल सिंह गौड़ के सिर पर पट्टानुमान लकड़ी से वार कर दिया। एकाएक वार के कारणों से कमल सिंह घटनास्थल पर गिर पड़ा और नाक से खाना बाहर निकल गया, साथ ही खून निकलने लगा, जिससे कमल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर हत्या के गवाह के रूप में कुमारी संतोषी तथा किशन भाई प्रत्यक्षदर्शी गवाह उपस्थित रहे, पर इनके साथ गए अन्य परिजनों के समझाइश पर मृतक की पत्नी तीजमत बाई के द्वारा अन्य परिजन तथा वहां उपस्थित ग्रामीणों के इस कोरोना संक्रमण काल में बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में फंस जाने के कारणों को ध्यान में रखते हुए वहां मामला दर्ज नहीं कराया गया तथा जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुखद बात यह है कि अब तक मृतक की पत्नी ने अंतिम संस्कार के बाद अपने पति का अस्थि कलश को सुरक्षित रखा गया है। संतोषी मार पीटा तो बहुत रिसे ताकर बाद बस मोला इतने पता है मारिस रहते बेर में रहे सामने माँ अनके जी तो माँ फट्टा धर के सब मारिस बोल भैया ला कमल सिंह ला तब वो नीचे गिर के जमीन में तो ऊपर नाक से खाना बाहर आ गए और जी बाहर निकाल के रिसे बाहर। सुदर्शन सिंह कानपुर से मन ना ऐसे तो बातें बात ना दूधी बात होते हैं पाइप के नाम से, फिर अब बातें बात ना मन के मारा पीटा न बात आएंगे तो ऐसे तो शांत हो गए बाद में उपार से मारी नहीं तो अब ठेकेदार से फ़ोन करें ना तो ठेकेदार कैसा भी कि तुम्हें फंस गई है अभी लॉकडाउन चला थे सब एक सब बंद हो गई है केला ना ही केला इसने करी कि मतलब यह हार्ट अटैक के है करके ना रख लिए जानेगा तो यहाँ तो ले गए जुग्गी मिल ले वहाँ भट्टा में मतलब रोक लिए हॉस्पिटल नहीं लगे मारने वाला तो यह चूड़ू है का नाम कहते जीत रहा और मरने वाला कौन नाम है कमल। घटना के बाद अपने गृह ग्राम पंचायत दाहिदा आने पर हत्या वारदात का नवागढ़ थाना में मामला दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन थाना नवागढ़ के मामले का संज्ञान नहीं लेने पर प्रार्थिया ने एसपी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर समुचित जांच सहित मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद नवागढ़ थाना के द्वारा प्रार्थी तथा अन्य घटना के दौरान उपस्थित लोगों को बुलाकर पूछताछ तो की, लेकिन हत्या के आरोपी तीजराम तथा अनुजराम को बुलाना तथा पूछताछ करना नवागढ़ पुलिस ने अब तक जरूरी नहीं समझा है। इससे साफ जाहिर है कि नवागढ़ थाना स्तर पर इस हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में एक नहीं अनेकों संदेह को जन्म दे रहा है। वहाँ जो बाहर गए थे वो लोग ना, मैं तो बाहर में था, लद्दाख में था, कारगिल में, वहाँ से जब निकला मैं 24 मई को, तो रात को 3 बजे मेरे बहन ने फ़ोन किया भाई का इतिहास हो गया, बोला उसने बोला था कैसे हो गया था ऐसे, जो बोला सिर गिर कर ऐसे ही हो गया ख़त्म हो गया बोला था, मैंने विश्वास नहीं किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ आया मैं 24 मई को, तो वहाँ पर मुझे मेरे घर वाली ने बताया उसका मर्डर हो गया, उसको मार दिया है जीतराम ने पट्टे से, तभी उसका मर गया बोला। तो उसके बाद घर आया मैंने, तो वहाँ मैं पहले जब था ना क्वारंटाइन में, तब मैं मेरे भाभी को मैं बोला वहीं पर रिपोर्ट कर दो, मैं कहीं यहाँ पर आओगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं कर दो, तो यहाँ मुझे करने नहीं दे रहा है कोई, वहाँ ऐसे ऐसे बोल रहा है तो करने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ ऐसे ही बोला। अकेला था और मियाँ बीवी गया था साथ में, तो ये पड़ गया अकेला, तो उसीलिए डर में मैं सोचूँ मैं रिपोर्ट करूँगा तो मेरी बीवी मेरे बच्चे का क्या होगा, उसी सोच में डर में नहीं किया रिपोर्ट वहाँ पर। तो यहाँ पर जब आया ना तो उसके बाद ये लोग आए तो रिपोर्ट करने गया वहाँ थाना, तो वहाँ पर रिपोर्ट किया तो दर्ज नहीं कर रहा था, वहाँ पर नवागढ़ का जो दिलीप का नाम का है वो पहुँचा वहाँ पर खड़ा हुआ ना, तभी रिपोर्ट दर्ज किया और हम लोग को पावती नहीं दिया। उसके बाद हम आवेदन बनाकर सीधा एसपी आपस गए, उसके बाद जिस दिन बंद था उस दिन आपसी आ गए, उसके बाद सोमवार को गए
तो और एसपी मैडम को मुलाकात तो नहीं हुआ, आवाज़ आ में ना वो क्या बोलते हैं उसको आवेदन को वहीं पर जमा कर दिया। उसके बाद बाहर निकले, उसके बाद आ गए एसपी मैडम आ गए वहाँ से, तो हमने बोला वो जो जमा किया ना उसको बोला हम उसने बोला आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया था, हमने बोला आठ दिन हुए हैं आए हुए थे, आप बाहर मत निकलो, जो आएगा पुलिस चेकिंग करेगा, ऐसे ही बोला आ गए। उसके बाद एसपी मैडम आया तो उसके बाद आईसीओ भी बोलेगा डांटेगा सोचकर हम नहीं गए अंदर फिर एसपी मैडम के पास। उसके बाद यहाँ पर आवेदन को लाया गया आया तो उसके बाद फिर बुलाया तो दो लड़की गए थे और मेरा भाभी भी गए थे, बयान वगैरह सभी लिया और उसके बाद ना तो पूछा उसने तो क्या चाहते हो, ऐसे ही बोला तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे बोला, जो कुछ होगा तो वहीं का पुलिस करेगा, हम डर पकड़ कर सकते हैं ऐसे ही बोला। तो हमने बोला तीज मार दो फिर से बोल, हम ईटा भट्टा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, ईटा बनाए अजय के जिम्मेदारी में, तो अजय है लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रही, सरसोने चौहान लोग कार भले सौंपे रही से भट्टा के, तेकर बाद प्रथम सप्ताह काम करें हमन, तेकर बाद 24 मई के रात के 9 बजे झगड़ा हुई दो तीन जन के साथ, फिर हमन जुग्गी ले पति पत्नी दोनों बाहर निकले और झगड़ा शांत हो गई, तेकर बाद में जुग्गी में खुसर के और जुग्गी ले निकाल के दोनों भाई निकलीस, जीत राम और अनुज, और जीत राम है सेटरिंग वाला फट्टा लेके मोर पति ले सामने से वार करीस बलपूर्वक, फिर मोर पति है नीचे में गिर गए और नाक ले जमो खाना निकाल गया, जीभ पूरा निकाल गया, उसी समय मृत्यु हो गई मोर पति के। फिर काकत उतना मजदूर रही से आऊ ते मन आऊ आई तीर में तो हाथ ला छू छू के दूर में जाके खड़ा हो गए सब झक, तब मन का सलाह हुई 2-3 घंटा मोर पति रुक गए हॉस्पिटलों नहीं ले गई, तेकर बाद में एक ठा गाड़ी मुंशियो आई मुंशियो छू के चल दी ठीक है यहाँ भट्टा के, तेकर बाद एक ठन गाड़ी आई सुहू वापस चल दी, तेकर एक ठाऊ गाड़ी आई ते गाड़ी है लेगी सब आधा घंटा के बाद फिर के आ गए, अब महू ला नहीं लेगी तहाँ सब जन इकट्ठा हो गए सब मजदूर और दूसरे गांव के आ रही से तेहू मन इकट्ठा हो गए, तो सब जन बोलीस कि रिपोर्ट कर बेते इहे फंस जाबो नहीं जा सकन इहे रह जाबो, ऐसे कि मोला धमकी चमकी दीस तो मैं डर के मारे मैं नहीं करें, मोर दू ठो लोग लैके है तो घर देख जा नहीं पा, मोर लोग लैके देखे नहीं पा कर मैं नहीं करें रिपोर्ट डर के मारे, और मोला पैसा के प्रलोभन दीस कि तो यह निवारण ल करबो हमन घर में जाके कि मोर पूरा परिवार में। हाँ नवागढ़ थाना में रिपोर्ट करे गए रहें तो पूछीस कि क्या क्या हुआ ऐसी की तो मैं बताएं थी कि घटना के बारे से, तो यहाँ कुछ नहीं हो जा ऐसे कहीस, तो वहाँ के दिलीप कहते ना नवागढ़ के अध्यक्ष है का वह तेहा खड़ा होइस ना तो वही थोड़ा बहुत लिखीस वह, तेकर बाद हमन ला जा ऐसे कह दिस तो हाँ आ गए तो बाद कुछ नहीं हुई, तेकर बाद हमन जांजगीर में आवेदन डालें एसपी ऑफिस में तो आवेदन डालें तो आवेदन ही है इस नवागढ़, तो नवागढ़ के योगेश पटेल हम मोला फ़ोन करके बुलाइस कि तिजमत भाई गवाह के साथ आ जाओ इसी की के, तो गए रहें तो बयान लीस वहाँ गए रहें तो दूसरे लड़की ले गए रहें तो बयान लीस, तेकर बाद हमन ला कहते यहाँ रिपोर्ट करी है तो नहीं हो कहते तुम्हें उहे जाए लगी हिमाचल प्रदेश कहते, और उरी से तो साथ में तुम सब झन लग कही तो सहयोग करी पैसा वैसा दही तो सब झन लेके जाबे कही तो ओमन नहीं जाए मैं कहें हमन गरीब आदमी हन कमात हन तो खात हन तो हमन काहे लेके जाबो ऐसे कहें, तो तुमन दोनों झन चल देवा तोर देवार दोनों कहते हम भी कुछ मदद करेंगे ऐसे की गिट्टी आई है बोलीस तो देखेंगे ऐसे की के आ गए।